नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग, आप लोग देख रहे हैं फॉर्म टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि छोटे पप्पी के लिए आप सेरेलैक कैसे बनाओ और उसको स्टार्टिंग में कैसे खिलाओ, क्योंकि काफ़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। देख सकते हो मेरे पास काफ़ी छोटे छोटे पप्पी हैं, काफ़ी प्यारे हैं, काफ़ी मासूम हैं। आप जूम करके दिखाइए कितना प्यारा है, ये बहुत ही प्यारा है। और आज के इस वीडियो में मेरे साथ है ये स्कूबी। स्कूबी मेरा साथ देगी इस पप्पीज़ को क्लीन करने के लिए, क्योंकि जब ये सेरेलैक खाएंगे तो अपने आप को गंदा करेंगे, तो इसको क्लीन करने के लिए हमारे साथ ये स्कूबी है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पप्पीज़ सारे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। चलिए, मार्केट में बहुत सारा सेरेलैक आता है, लेकिन आपको यूज़ करना है ह्यूमन वाला। कम 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 कम, गुड गर्ल गुड गर्ल, इधर आ जाओ, इधर सिट डाउन, सिट सिट, गुड गर्ल। तो आप देख सकते हो कि स्कूबी को भी काफ़ी ज़्यादा ये पसंद है, और सारे पप्पीज़ तो आगे पीछे कर रहे हैं, पता नहीं कि इसको क्या पता चल रहा है। अब दोस्तों देखिए, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के ये सेरेलैक आते हैं, बट कई सारे डॉक्टर से पूछने के बाद, और मैंने भी ये यूज़ किया है, तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काफ़ी सही रहता है। क्योंकि इसे यूज़ करने के बाद मैंने बहुत ही कम देखा है कि डॉग को डायरिया हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और कितना मात्रा में यूज़ करना मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको ये यूज़ करना है, सबसे पहले तो जैसा इसमें बताया गया है 75 ml पानी लेना है, और उसमें 3 चम्मच ये सेरेलैक डालना है। इसमें चम्मच भी ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, तो इसमें चम्मच ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, देखिए चम्मच दिया हुआ है, तो इसे 3 चम्मच आपको देना है और 75 ml पानी देना है। लेकिन अगर आपको लगे कि पानी कम हो रहा है तो आपको पानी भी देना है। क्या हो गया मेरे इसको भी, वीडियो बनाने नहीं देगी, इधर आ जा, कम ऑन, कम कम कम, इधर आ जाओ, इधर आ जा, इसको भी हट जा, कम कम। देख सकते हो कि इसको भी मतलब कितना ज़्यादा ये बेचैन हो रही है खाने के लिए, इधर आ जा, नो इसको भी बैठ गए, हाँ यहाँ से सिट डाउन, सिट डाउन, सही है, वीडियो डिस्टर्ब भी हो रहा है, ओके गुड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे पानी ले रहा हूँ, अंदाजा से 75 ml से थोड़ा सा मैं ज़्यादा लूँगा, ठीक है, नो। चलिए अब मैं इसमें सेरेलैक भी डालूंगा और फिर मैं इसको मिलाऊंगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, पप्पी को खिलाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, और 20 दिन के बाद आप स्टार्ट करिए पप्पी को खिलाने के लिए। अभी ये 18 दिन का है पप्पीज, तो मैं इसको अभी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और फिर 20 दिन से थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इसको खिलाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कोई चीज़ डॉग को चेंज नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे आप उसके हैबिट में लाइए। अब दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स करना है, देखिए इसको स्मेल आ रहा है तो किस तरीके से ये एक्टिव हो गया है। यहाँ पे अच्छे से आपको मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर में यूज़ करना है, नॉर्मल वाटर में नहीं करना है। और मिलाने के बाद आपको जल्दी से अपने पेट को खिला देना है, मतलब जल्दी से, ऐसा नहीं कि आपके पास ट्रेन छूट रहा है। देखिए कैसे ये सारे पप्पीज़ कैसे कैसे कर रहे हैं, मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए आप लोग लाइक ज़रूर करिए, और आप लोग अपने डॉग को 4 से 5 बार दिन में खिला सकते हो। 4 से 5 बार खिलाओगे तो काफ़ी सही रहेगा, और साथ ही साथ मदर का मिल्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो भी एटलीस्ट 30 दिन, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 30 दिन तक तो मदर का मिल्क किसी भी कीमत पे होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए एक पप्पी कितना ज़्यादा ये खाने के लिए कर रहा है, और स्कूबी को देखिए, स्कूबी को सेरेलैक बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है सेरेलैक, और बहुत सारे ह्यूमन को भी सेरेलैक पसंद है। इनफैक्ट मुझे भी सेरेलैक खाना बहुत पसंद है, आप लोगों को पसंद है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, अब मैं सर्व करूंगा मेरे सारे प्यारे प्यारे पपीज़ को। ए मिले बाबू है तुम, मिलेगा तेरे को। चलिए अब दोस्तों मेरे साथ साफ़ करने के लिए प्यारी सी स्कूबी है, और मैं बच्चों को खिला दूँ उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे गिरा देता हूँ, ठीक है, हट जाओ, और इसको मैं सबसे पहले अंदर रख देता हूँ नो, ताकि कोई बच्चा इसमें जाके गिर ना जाए। तो दोस्तों सबसे पहले पप्पीज़ को पकड़ना है इस तरीके से,
और आपको पीछे से पकड़े हुए रहना, नहीं तो ये इसमें कूद जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसे पसंद रहता है ये खाना। एप्पल फ्लेवर का आप लोग यूज़ करिए। देखिए मेरे पास भी एप्पल फ्लेवर का है, देखिए पपीज किस तरीके से कर रहे हैं, देखिए हाँ आपको पीछे से पकड़ना है इस तरीके से, देखिए ये पपीज को साइड करना पड़ेगा मुझे, इसको पकड़ लीजिए, हाँ इसको पकड़ो दो तब तक, हाँ चलिए इसको मैं यहाँ पीछे से पकड़ रहा हूँ ऐसे करके, और यहाँ लीक करने के लिए दे रहा हूँ। देखिए ये किस तरीके से लीक कर रहा है, और कभी कभी ये नाक में भी चला जाता है, तो इसको मैं, देखिए बहुत ही प्यारी मेरे स्कूबी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मुझे गर्म कपड़े से भी इसको साफ़ करना पड़ेगा, बट अभी तो ये इसकी मदर साफ़ कर रही है काफ़ी अच्छे से। देखिए दोस्तों जो सर्विंग क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी आपके पैकेट के पीछे लिखा हुआ रहता है, ह्यूमन के पैकेट के भी पीछे लिखा हुआ रहता है, और मैं भी आपको डिटेल दे दूंगा स्क्रीन पे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कितना बार देना है, कौन सा फूड कैसे देना है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सेव कर लीजिए, और साथ ही साथ पेट हेल्पलाइन ऐप में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, जहाँ से आप अपने डॉग को और पपीज़ को अच्छे तरीके से हेल्दी रख सकते हो। तो इस पेट हेल्पलाइन ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों ये काफ़ी अमाउंट में ये खा चुका है, ठीक है, तो अब मैं इसको हटा दूंगा और दूसरे पपीज़ को लाऊंगा, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि इसे पहला दिन ही ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाए, दूसरे दिन ही, तीन चार दिन इसको अच्छे से खिलाने के बाद सही क्वांटिटी में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से ये खा रहा है, देखिए देखिए कितना प्यारा है, कितना मासूम है, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से खा रहा है। जूम करके दिखाइए ताकि और भी लोगों को पता चल पाए, देखिए कि कितना प्यारा है ये, कितना मासूम सेरेल है, किसे काफ़ी पसंद है, देखिए। और चेहरे को साफ करने के लिए मैंने मदर को रखा हुआ है, ये काफ़ी अच्छे से साफ कर देगी इसका चेहरा, और देखिए। दोस्तों मैंने सारे पपीज़ को खाना अच्छे तरीके से खिला दिया है, और इसको भी, मेरी प्यारी कहाँ जा रही तुम बेबी, तो यहाँ पे मैंने सारे पपीज़ को खिला दिया है, देख सकते हो कि ये अंगराही ले रहा है, और दो तो एकदम घोर निंद्रा में है। और दोस्तों ये घर आपको कैसा लगा, इस प्यारे से छोटे पपीज़ के प्लेइंग के लिए मैंने ये बनाया है, तो होप करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और ये कैसे बनाना है, अगर आपको चाहिए वीडियो तो वो वीडियो भी मैं बना दूंगा कोई और घर बना करके। तो ये आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो था, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि कैसे सेरेलैक बनाना है, कैसे खिलाना है, और कितना क्वांटिटी में देना है, कितने बार देना है आपको, दिन में 4 से 5 बार देना है, ठीक है। और इसके बाद आपको 30 दिन के बाद स्टार्टर पर भी लाना है, स्टार्टर भी ऐड करना है थोड़ा थोड़ा उसमें, 30 दिन से पहले ही, 2 दिन पहले ही आप मिक्स करना स्टार्ट कर दोगे, स्टार्टर दोगे तो ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगी। ये सेरेलैक इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जो पप्पी है वो डायरेक्ट लिक्विड से सॉलिड को अपने बॉडी में या फिर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए, अडॉप्ट कर पाए, उसके लिए ये सेरेलैक दिया जाता है। डायरेक्टली आप उसको सॉलिड चीज़ तो दे नहीं सकते इसी की वजह से, और जब आप स्टार्टर दोगे तो सेरेलैक में मिक्स करके ही आपको स्टार्टर देना है। पहले दिन आप बहुत ही कम क्वांटिटी में दोगे, उसके बाद आपको क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज करना है। देख सकते हो मेरे प्याली बाबू को, ओ बोले बाबू, मात्र अभी केवल 17 दिन का ये पपीज़ है, 17 या 18 दिन का होगा मे भी, इतना मतलब प्यारा है, इतना समझदार है, आप सोच नहीं सकते हो। खैर ये प्यारा सा वीडियो है, हम और भी वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।